अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी गलती जिसका खमियाजा तीन जाने जो हैं वो बर्बाद हो गए। कसूर के एक इलाके का वाकया है जहाँ पर दो दोस्त थे और दोनों बड़े जिगरी यार बने हुए थे। एक दोस्त के घर दूसरा दोस्त जो है वो आता था, उसकी वालदा उसको बेटा समझती थी और वो सबको माँ बहन और भाई के कहकर पुकारता था। अब कई बार होता था कि सारे दोस्त इकट्ठे बैठे होते थे और ये दोस्त जो है ये अकेला हैंडफ्री लगाई हुई और कानों में लगी हुई कभी हैंडफ्री में बातें कर रहा है चुपके चुपके से। सब दोस्त परेशान थे कि ये करता क्या है, ये किससे बातें करता है। सबको ये तो मालूम था कि ये लड़की से बातें कर रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये कर किससे रहा है। और वो लड़का उसी लड़के की बहन से बातें कर रहा होता है जिसके घर वो रोज़ाना जाता है और उसकी माँ को माँ कहता है और भाई को भाई और बहनों को बहन कहता है। अब उसकी छोटी बहन के साथ ये घंटों घंटों बातें करता है, उसको पैक ही लगवा के देता है, सारी चीज़ें होती हैं और कई बार ये वीडियो कॉल के ऊपर आपस में एक दूसरे को ऐसी नाजेबा हालत में भी देख रहे होते हैं जो कि मुनासिब नहीं। अब इनकी ये सारी जो दोस्ती है वो चल रही है लड़की की लड़के के साथ और दूसरी तरफ जो लड़के हैं सारे दोस्त वो मिलके इस चक्कर में हैं कि इसके मोबाइल से नंबर निकाला जाए, ये बातें किससे करता है पता तो चले। लेकिन वो लड़का बड़ा चलाक था, उसने मोबाइल को हर तरह से पासवर्ड लगाए हुए थे। अब किसी भी तरीके से ये पता ना चल सका कि ये लड़का किससे बात करता है। अब कहानी आगे बढ़ने लगी, काफ़ी वक्त गुजर चुका था, लड़के और लड़की में वो चीज़ें जो मोबाइल पे वो कर सकते थे वो कर चुके थे। एक दूसरे को नजेबा हालत में देखना और एक दूसरे से अजीबोगरीब बातें करना, वो सारे मामला से गुजर गए। अब लड़के ने एक दिन लड़की से कहा कि हम बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब हमें एक बार मिलना चाहिए। लड़की भी हाँ कर देती है। लड़का उसके लिए एक होटल में कमरा बुक करता है और लड़की को बुलाता है। लड़की घर से माँ को कहती है कि मैं सहेली के पास जा रही हूँ तो मैं उससे मिल के आऊँगी, मुझे इतना टाइम लग जाएगा। अब माँ कहती है ठीक है, वो चली जाती है। उस लड़के के साथ होटल में जाती है, होटल वालों ने कोई चीज़ नहीं पूछी, ना आईडी कार्ड ना कुछ, उनको अपने पैसों से गर्ज है। तीन घंटे के लिए होटल बुक हुआ और वो अंदर गए, अंदर तीन घंटे जो भी उन्होंने करना था वो करने के बाद जब बाहर निकले हैं तो फिर दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि हमने सच्चा प्यार कर लिया, अब हम आगे शादी की प्लानिंग करते हैं कि हम शादी करेंगे, कैसे घर वालों को बताएंगे, क्या कुछ होगा। आगे चल के इस कहानी के ऊपर अपनी राय मैं आपको दूंगा। अब ये दोनों चले जाते हैं और रोज़ ब रोज़ इनकी मुलाकातें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लड़की कई बार घर से आती और दोस्त के घर जाने का कहकर और इस लड़के से मिलती। एक दिन ये दोनों एक होटल से निकल रहे थे कि लड़की के भाई भी वहीं से गुजर रहा था, उसने इन दोनों को देख लिया। अब वो वहाँ पर तो खामोश रहा कि मुआशरे में इज्जत ख़राब हो जाएगी, यहाँ बोलूँगा, लेकिन गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अब घर गया, घर जाकर उसने सीधा अपनी माँ को ये सारी चीज़ बताई। उसकी माँ जो है वो कहती, नहीं तुम्हें गलतफहमी हो गई है। माँ हो ही नहीं सकता कि बेटी की हरकतों को ना समझ रही हो। बेटी एक कदम उठाती है तो माँ को पता चल जाता है कि बेटी क्या कर रही है, लेकिन बेटा जब बता रहा था कि ये उस लड़के के साथ है तो माँ जो है वो मानने को तैयार नहीं थी। कहती वो मुझे बेटे जैसा अजीज है, वो मुझे माँ समझता है, माँ कहता है इनको वो बहने कहता है, तो ये नहीं हो सकता। इतनी देर में बहन जो है वो घर में दाखिल होती है। भाई जो है वो बहन से पूछता है कि क्या कहाँ से आ रही हो, कहती दोस्त के पास से। भाई जो है वो एक थप्पड़ कान के नीचे लगाता है, फिर पूछता है, कहती मैं दोस्त के पास से आ रही हूँ, सहेली के पास गई थी। वो दो तीन थप्पड़ और लगाता है। इतनी देर में माँ उठ के आती है, उसको छुड़वाती है और उसको कहती है कि तुम्हें बेटा गलतफहमी हो गई है, ये मुझे बता के गई थी अपने दोस्त के पास जा रही है। बेटी माँ के पीछे छुप जाती है और माँ जो है वो बेटी का जो है ना वो बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर यहाँ पर माँ बेटी का साथ ना देती तो शायद आगे वाले मामला ना होते। अब लड़का बड़ा परेशान था, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था। अच्छा, उसने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम किया, बहन से मोबाइल उसने छीन लिया था। अब उसने लड़के को फ़ोन किया, लड़के को फ़ोन करके कहता किधर हो, कहता मैं फलां जगह, कहता आओ चाय पिए, घर पे चाय बन रही है। अब वो लड़का अभी चंद घंटे पहले उसकी बहन से मिल चुका था, उसने कहा जी अच्छा अभी अभी मुलाकात हुई है, अभी ऊपर से दीदार भी हो जाएगा। तो आशिक जो होते हैं ना वो अंधे होते हैं, उनको यही लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, जबकि उनको सारा ज़माना देख रहा होता है। अब लड़का थोड़ी ही देर में उसके घर पहुँच जाता है। अब जो लड़की का भाई होता है उसने चाय के अंदर एक बेहोशी की दुआ डाल दी होती है, दोनों चाय पीते हैं। जो लड़की का आशिक होता है उसको पता ही नहीं चलता कि ये क्या मामला हो रहा है उसके साथ, वो चाय पीने के बाद बेहोश हो जाता है। ये लड़का खंजर उठाता है, छुरी चाकू कुछ भी, उसके साथ उसका कत्ल कर देता है। अब कत्ल के बाद
उसकी लाश को ठिकाने लगाना होता है, बड़ी मुश्किल होती है। ये उसकी लाश को बोरी में डालता है और नज़दीक एक छोटा सा नाला होता है, गंदा नाला, उसके अंदर फेंक आता है। अब इस घर के अंदर कत्ल हो चुका है, कत्ल के बाद लाश को भी ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन घर वालों को मालूम नहीं है। अब चंद ही दिनों के बाद वो लाश जो है वो फूलती है और ऊपर आ जाती है। पुलिस जो है वो देखती है कि ये क्या मामला है, पुलिस उस पर छानबीन शुरू करती है और उस इलाके में मिसिंग अफराद की रिपोर्ट जो होती है उसको देखती है, लेकिन कोई नहीं निकलता। फिर आसपास के थानों में इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछा जाता है, तो एक थाने से एक शख्स के मिसिंग की रिपोर्ट आती है और वो सेम इसी कद काठ का, इसी शक्लो सूरत का लड़का था। अब उस लड़के का जो नंबर लिया गया, उस नंबर को CDR निकाली गई, जो डाटा होता है, डाटा निकालने के बाद देखा गया कि उसकी सबसे ज़्यादा कॉलें इस लड़की को आ रही थी। पुलिस पहुँच गई सीधा लड़की के घर, अब लड़की को उठा लिया, लड़की परेशान है। अब लड़के का जो मोबाइल था वो भी मिल चुका था झाड़ियों में से, उसके अंदर भी लड़के की अजीबोगरीब लड़की की वीडियोस, लड़की की माँ को पता चलता है, वो बड़ी परेशान होती है। अब जो उस मोबाइल पर आखिरी कॉल गई होती है वो होती है लड़की के भाई की। अब लड़की के भाई को पुलिस उठाती है, उठाने के बाद उसको एक थप्पड़ ही लगता है, वो कौन सा आदि मुजरिम था, और वो फर फर बोलना शुरू कर देता है। वो अलग से ये तक सारी दास्तान सुनाता है और इस तरह से उस लड़के को पुलिस हवालात में ले जाती है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। पहली तो ये कि दोस्तों को घर का रास्ता ना दिखाएं, दोस्त आते हैं तो सिर्फ आपके ड्राइंग रूम या बैठक जो कहते हैं जिसको, वहाँ तक हो, वहाँ से आप उनके साथ जो भी चाय पानी का बंदोबस्त है वो करें और उनके साथ उनको रुख्सत कर दें। और दूसरी बात, अगर आपकी लड़की उससे शादी करना चाहती है, आपका वो दोस्त अच्छा इंसान है, तो दोनों की रजामंदी के साथ शादी कर दें, बेहतर यही है, ना कि आज ये लड़का उसको कत्ल करता और जेल चला जाता है। जो कत्ल हो गया उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई, जो जेल चला गया उसकी भी ख़त्म हो गई, और पीछे रही लड़की उसकी पूरे इलाके में रुसवाई हो गई, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तीन ज़िंदगियां इस तरह से ख़राब हो गई हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।